अरे कम से कम अपना घर में तो भजन करो, गले में कंठी पहनो, तिलक लगाओ, माला लेकर तो भजन करो ना, दिन भर दुनियादारी की चक्कर में फिर पड़े रहो नहीं। इसलिए श्री पंचन बाबा की उम्र जो 50 साल हो गया, उन्होंने अपना पांच बच्चों को उन्होंने बुलाया, पांच बच्चों को बुला करके बोले देखो बच्चों बड़े हो गए हो, हमने शादीशुदा करवा दिया, तुम्हारी नौकरी चाकरी सब ठीक ठाक हो गया, अभी हम दोनों पति पत्नी को मिला है, तो अभी हम वृंदावन में जा रहे हैं प्रभु की भजन करने के लिए। अभी उन्होंने बच्चे राजी हो गए, बोले ठीक है पिताजी आप वृंदावन में जा करके आप भगवान के भजन साधन करो। अभी सबसे जो बड़ा बेटा था बोले इसको ही मैं राज सिंहासन में बैठा करके जाना चाहता हूँ, लेकिन बड़ा बेटा ने कहा पिताजी जितने भी मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का योग्य मेरे में नहीं, कि जो मझला बेटा जो नंद है इसकी अंदर में राजा बनने का योग्य, आप इनको ही राज सिंहासन में बैठा दो। सब लोग बोले सही बता रहे, क्योंकि राजा कौन बन सकता है जो प्रजाओं को अपना बच्चे समझे, ऐसे नहीं जब तक राजगद्दी पर बैठो तब तक धन लूटते रहो, जनता के धन लूटते 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 पूरा खाली कर दो। बोले भैया वो राजा बनने का योग्य नहीं है, राजा वही बन सकता है जो प्रजाओं को अपना संतान जैसे समझे, उनका सुखी में सुखी उनका दुखी में दुखी बने, तभी वही राज सिंहासन को संभाल सकता है। बोले हाँ मेरे अंदर में गुण नहीं, ये नंद बाबा के अंदर में गुण है, इसलिए उनका नाम नंद। नंद मतलब क्या है, बोले आनंद रहित इति नंद, जो सबको आनंद दे, इसलिए कहते हैं ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। इसलिए नंद बाबा ने क्या किया, उन्होंने नंद के आनंद भयो, क्या आनंद भयो बोले जय कन्हैया लाल की, उन्होंने कृष्ण को जन्म दिया, और कृष्ण जन्म दिया तो हम सबके सब कृष्ण भजन कर रहे हैं, और कृष्ण भजन करने पर तो आनंद मिलेगा ना, इसलिए उन्होंने दुनिया को उन्होंने आनंद दिए। अभी परिजन बाबा जा रहे हैं दोनों पति पत्नी, परिजन बाबा उनकी पत्नी का नाम थी बलिया सिंह, ये दोनों अभी भजन करने के लिए जा रहे हैं। बच्चों ने कुछ प्रश्न किया, बोले पिताजी हमारे कुछ प्रश्न के उत्तर दे करके जाओ। बोले बताओ क्या प्रश्न है, बोले पहला प्रश्न है भगवान हमें ये मानव शरीर दी क्या क्यों दिया है, ये मानव जन्म का उद्देश्य क्या है। बोले बच्चों ये मानव जन्म का केवल एक उद्देश्य है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, केवल एक उद्देश्य है कि जीवन में कैसे भगवत प्राप्ति हो, अगर ये जीवन पा करके किसने अगर प्रभु की प्राप्ति कर लिया, समझना ये शरीर पाना हमारी सार्थकता हो गई, अगर दुनिया की सारी काम हमने किया बढ़िया पैसा कमाया दुकान मकान बच्चे सबको सही सही किया लेकिन भगवान की भजन नहीं किया, ये बच्चों समझो लास्ट में जीरो है, लास्ट में तुमको जीरो मिलेगा, क्योंकि मरते समय तो यही बोलेंगे ना राम नाम सत्य है गोपाल राम सत्य है सत्य बोले कहते हैं सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जितने राम कृष्ण का भक्ति किया वही कह जा रहे हैं और जो किया एक बार छोड़ करके जा रहे हो, इसलिए जीवन रहते रहते क्या करनी चाहिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा कर बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी,
और बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जलेगी, संत के संग लागी तेरी अच्छी बनी। बोले बच्चों, जब तक जीवन में संतों का संग करते रहोगे तब तक तुम्हारी भक्ति बढ़ते रहे। जब संत सत्संग से दूर हो जाओगे फिर भक्ति धीरे 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 घटती जाएगी। इसलिए मैं जब इधर आता हूँ ना घंटी, जब तक कथा करता हूँ गले में घंटी तिलक बन लेते हैं और माला जब करना शुरू कर देते हैं, जब मैं चले जाता हूँ फिर धीरे धीरे नशा उतर कर लेते हैं। जब फिर आता हूँ गले में घंटी नहीं, तिलक नहीं, माला कहाँ पर पता नहीं, माला माला में कहीं चूड़ी नहीं, घुसरा घुसरा। इसलिए कहते हैं ये संत सत्संग संगे हमें जीवन में रक्षा करने वाले। बोले जीवन का प्राप्ति क्या है, जीवन में क्या पाने पर जीवन सार्थक होगा। बोले अगर जीवन में भगवत प्रेम, अगर किसने जीवन में भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया समझो तुम्हारी जीवन धन्य हो गया है। प्रभु का प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है। अभी उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश देकर के पिता माता जमा भजन करने चले गए। अभी चार बच्चों का तो संतान है लेकिन जो मझिला बेटा जो नंद है इनकी घर में कोई संतान नहीं। अभी ये सोच रहे हैं भविष्य में राजगद्दी को कौन संभालेगा, ये राजगद्दी को कौन संभालेगा, कोई तो बच्चा है ही नहीं। इन्होंने सारी व्रत उन्होंने रखी, जितनी जगत का व्रत है, तपस्या स्वाध्याय दान सब कुछ किया लेकिन घर में कोई संतान नहीं। एक समय दोनों नंद जसोदा बैठ करके सोच रहे हैं, हमने तो सारे व्रत को रखे लेकिन अभी तक एक व्रत नहीं रखे। बोले कौन सा व्रत? बोले एकादशी व्रत। हमने एकादशी व्रत नहीं रखी इसलिए 24 एकादशी में एक एकादशी का नाम पुत्रदा। पुत्रदा मतलब जो पुत्र जन्म देता है। इसलिए बोले चलो हम एकादशी व्रत रखते हैं। जब दोनों ने एकादशी व्रत रखा, जिस दिन उन्होंने एकादशी व्रत रखा उसी दिन उन्होंने स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न देखा? देखा आकाश में एक चमचमात हुई श्याम वर्ण का एक बालक है, देखा उसको पीछे एक सुंदर लड़की, एकदम गौर वर्ण की लड़की। और इधर क्या हुआ, जो श्याम वर्ण का जो बालक श्री नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया, फिर उसको पीछे पीछे तो जो गौरव वर्ण के सुंदरी बालिका को भी हृदय में प्रवेश किया और इनकी हृदय से फिर श्री जसोदा के हृदय में ये दोनों प्रवेश किया। जब प्रवेश किया फिर उन्होंने स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न देखा? बोले श्यामा चंचल चारु नयन बाल स्तवांतस्थले पयोधार स्फुटमसौ क्रीडान्मयम् लोक्यते। ये स्वप्न देखा कब? बोले ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले देखा। अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखा ना वो स्वप्न कभी सही हो जाता। दोनों की नींद खुल गई। नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। जसोदा बोले मैंने भी एक स्वप्न देखे, पहले आप बता क्या देखा। बोले मैंने देखा तेरे गोद में एक सुंदर श्याम रंग का बालक बोल रहा है और तुम्हारे स्तन पान करते करते दोनों धार से दूध बह रही है और उसका कुर्ता भीग रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा, सचमुच से तेरे गोद में एक बालक है। बोले मेरी स्वप्न सुन लो। बोले बता दे। बोले मैंने भी देखा एक श्याम रंग का बालक माँ 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 करते 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 मेरे पीछे पीछे आ रहा है और कपड़ा खींच गए। बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को गोद में उठा कर दूध पिला। वो मचल रहा था, मेरे को स्वप्न नहीं लगा लगा सचमुच से एक बालक को मैं स्तनपान करा रही हूँ। और उसी रात में ही मैया गर्भधारण गई और ब्रज में हला हो गया। भैया इतने तीन उम्र में बुरी उम्र में मैया जसोदा ने क्या की, गर्भधारण की है। लेकिन उसको कुछ दिन पहले कुछ संत लोग आए थे भ्रमण करते करते गोकुल में, वो संतों ने नंद बाबा को संत सेवा की बड़ी महिमा बताई। बोले नंद बाबा जो ना करे लकीरी कहते सो करे फकीर। लकीर मतलब होता है भाग्य, जो भाग्य में नहीं है। फकीर मतलब संत है, अगर संतों की कृपा हो जाए ना वो काम वही बन जाएगा। सचमुच से उन्होंने संतों की बड़ी सेवा की,
संतों को पता चला इनके घर में तो सारे शुद्ध है लेकिन घर में कोई बालक इनकी नहीं, घर में किसी बालक इनके घर में नहीं। इसलिए संत लोग सोच रहे थे इतना दिन से नंद बाबा की रोटी पानी खा रहे हैं लेकिन अभी तक ही इनके घर में कोई संतान नहीं भाई। आपस आपस में चर्चा कर रहे थे, कोई ब्रजवासी इसको सुनकर के नंद बाबा को बोले, बोले बाबा मैंने संतों को दर्शन करने के लिए गया था और हमने सुना वो आपस आपस में चर्चा कर रहे थे। बोले क्या चर्चा कर रहे थे? बोले नंद के छोरा हो रहे थे। बोले तुमने अपना कान से सुनी? बोले अभी हम तो सुनकर जा रहा हूँ। बोले देखो संतों का पानी कभी छूट नहीं होता है, जब संत कहते हैं मेरे घर में छोरा होनी चाहिए जरूर मेरे घर में छोरा होगा। खूब संतों की खूब सेवा करो, संतों की खूब सेवा करो। और मैया दूसरा जब गर्भधारण की पूरा ब्रज में हला हो गया। क्या हला हो गया? बोले भैया मैया तो बुरी उम्र में गर्भधारण की है, संतों का वाणी झूठा नहीं होती। देखो संतों की कितने बड़ी कृपा, अभी जहाँ देखे संतों को ना बोले राम राम बाबा, सब जगह में संतों की बड़ी तारीफ होने लग गई। एक बड़ी बड़ी गोपी ने बोली बोले मैया यशोदा लगता है तेरे गर्भ में एक बालक भी जन्म होने वाला। बोले तेरे को पता कैसे चला? बोले तुम्हारी जो होंठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, इसका मतलब तेरे घर में बालक होगा। एक बड़ी बड़ी गोपी बोली मैया तुम्हारी कुमारी पेट में कोई जुड़वा केले तो नहीं खा ली? बोले क्यों, लगता है तेरे पेट में दो बच्चे, एक कृष्ण और एक उद्योग मैया। चटपटी चीज अच्छी लगती है। मैया बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा हो रही है, बड़े सुंदर खीर बना करके भगवान सालक राम को भोग लगाए और मैया जसोदा को खीर खिलाए। हाँ देखो माता ने ध्यान दे रहे, एक होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब क्या? पेट में जो बच्चा हो अगर माताएं गीता पढ़े रामायण पढ़े भागवत पढ़ना देखना वो बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार पढ़ना है, फिर वो बच्चा बड़ा बलवान बड़ा बुद्धिमान और वो बच्चा बड़ी पिता माता की सेवा करने वाला होता है। अगर पेट में बच्चे रहते हुए डिस्क पर ध्यान उल्टा पुल्टा फिल्म देखोगे ना वो बच्चा फिर उल्टा बन करके जन्म लेगा। देखना कोई कोई बच्चे तो बड़े शांत शिष्ट होते हैं, आप देखना कोई कोई बच्चा बड़ा उद्यमी होता है, एकदम पिता माता की बात ही नहीं सुनते हुए। क्यों? बोले गर्भ में बच्चे रहते हुए उल्टा पुल्टा चीज को देखनी नहीं चाहिए। हाँ उल्टा पुल्टा चीज को नहीं देखनी चाहिए, भगवान की लीला को दर्शन कराओ, ठाकुर का कोई कथा सुना, गीता भागवत पढ़ो, वो बच्चा बड़ा संस्कारी बनकर के जन्म लेगा। अभी मैया यशोदा को बड़ी सुंदर सुंदर भगवान राम की नारायण की बड़ी सुंदर सुंदर फोटो दिखाते हैं। मैया यशोदा ठाकुर जी को दर्शन करती है, ठाकुर जी का आरती उतारती है, ठाकुर जी की सेवा करती है मैया यशोदा। अभी नंद बाबा की एक बहनी थी जिसका नाम सुनंदा, वो 6 महीना पहले आकर भैया घर में बैठी थी। बोले क्यों? जब उसको पता चला भाभी गर्भवती है, बोले मेरे को तो 9 लाख की हार मिले, इसलिए 6 महीना पहले आकर घर में बैठी 9 लाख के हार के चक्कर में और उस सारे काम काज को यही कर रहे थे। लेकिन लग रहा था आज रात को ही बालक की जन्म हो जाएगी, गांव में 8 बजे तक सबके सब जगे रहे, उसके बाद तो सो जाते थे हैं। अभी बोले दो घंटा की ड्यूट लगवा दो, कुछ गोपियों को मजीरा ढोलकी दे दिया, बोले बैठो और भगवान की कीर्तन करो। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा।
लेकिन 10 बजे को बाद में जो माया ने सबको सुला दी, कहाँ ढोलकी की, कहाँ चिंता की, कहाँ मजिला की, पता नहीं सब बेरोजगारी, पता नहीं कब मथुरा से श्री वसुदेव महाराज आए। और मैंने देखो एक चीज को समझ लो, मैया जशोदा ने दो बाबा के जन्म, पहले तो कृष्णा हुए, उसको बाद में जोग माया की छोटी बहनी हुई। लेकिन वसुदेव महाराज मथुरा से उन्होंने एक कृष्णा लेके वहां से आए, मथुरा में एक कृष्णा और गोकुल में एक कृष्णा। बताओ कृष्णा कितने हो गए, कितना हो गए कृष्णा, दो हो गए। अरे और एक कृष्णा कहाँ गए, देखो ये चीज को समझो। कहते गोकुल में जो कृष्ण हुए वो पूर्ण करते हैं, सोलो कला में परिपूर्ण कृष्ण हुए हैं, लेकिन मथुरा में जो कृष्ण हुए हैं वो पूर्ण कृष्ण नहीं, वो अंश कृष्ण हुए। जब श्री वसुदेव महाराज को कृष्ण को लाए, गोकुल में जो कृष्ण हुए पूर्ण कृष्ण, उन्होंने क्या किया, वो कृष्ण को ये कृष्ण अपना शरीर में मिला दिया। लेकिन वसुदेव महाराज को ये पता नहीं चला, जब पहले भी एक कृष्ण था और दोनों मिलकर के एक हो गए, उनको बताया नहीं चला। लेकिन ये क्या सोचे, हमने तो कृष्ण को मार करके आए, लेकिन कृष्ण नंद बाबा की भी कृष्ण है और सिर्फ देवकी का भी कृष्ण, दोनों का ही संतान। लेकिन गोकुल में जो कृष्ण है वो पूर्ण कृष्ण है। देखो आप लोग ने बच्चे जन्म दिए हो, कौन कौन बच्चे जन्म दिए हो, सबके सब एक चीज समझो, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। हम लोग ने सबके सब बच्चे जन्म दिए, जैसे मथुरा में कृष्ण जब जन्म, वह जन्म नहीं हुए वो प्रकट होंगे, क्योंकि कृष्ण प्रकट होने से पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और उन्हें सारी बात बता दी। जब देवकी बोली मैंने तो आपको बालक रूप में प्रार्थना की थी, आप तो 16 साल के शंकर चक्र गदापद में लेकर के आए हो, घुबड़ा लेके चमकीले चमकीले वस्त्र मुकुट पहन करके आए हो। तब भगवान ने कहा देखो देवकी वसुदेव, तुम दोनों पूर्व जन्म में प्रश्नी और सुतरा थे, देश का राजा रानी, लेकिन तुम लोग ने ये संसार का विषय भोग नहीं किया, तुम लोग ने मेरी कठोर तपस्या की 10,000 साल तक। पेड़ से जब पत्ते गिरी जाती थी वो सूखे पत्ते को खा खा करके 10,000 साल। मैंने कहा ब्रह्मा को, बोले प्रभु आप जैसे हमें एक बालक चाहिए। बोले भैया मेरे जैसे तो कोई होते नहीं, मेरे जैसे तो मैं ही हूँ, क्योंकि ऊपर से तने भगवान ने को बताया कि असमर्थ तत्व, असमर्थ मतलब जिनकी बड़े की बात छोड़ दो, जिनकी बराबर भी जगत में किसकी हो नहीं सकती, कृष्ण की बराबर भी जगत में कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए बोले ना समा ना ऊर्ध्व, उनकी बड़े भी नहीं, उनकी जगत में कोई समान नहीं। देखो गुजरी सब, तुम्हारे घर में जो लड्डू गोपाल है ना, इस चीज को समझो, घर में जो लड्डू गोपाल को पूजा करते हो, ये लड्डू गोपाल को साधारण मत समझो, वो देखने में लगते हैं छोटे, लेकिन बड़े खोटे हैं ये, वो छोटे नहीं खोटे नहीं। तुम लोग सुनोगे ब्रह्मा भी जिनकी चरण में ना करगड़े, इंद्र भी जिनकी चरण में ना करगड़े, शंकर स्वयं गोपी बन करके प्रभु की रास में आते हैं, 33 करोड़ देवता जिनकी चरण में ना करगड़ते हैं, हैं? इसलिए कि कृष्ण को साधारण मत समझो, ये पूर्ण ब्रह्म से कृष्ण है। इसे ब्रह्मा स्वयं कह रहे हैं, क्या ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले अहो भाग्यम नंद गोप प्रयोग साम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। कृष्ण कौन है, ये पूर्ण, ये ब्रह्म, ये सनातन है। सनातन मतलब क्या, सृष्टि से पहले जो थे, अभी जो है और बाद में जो रहेंगे, सब कुछ होता है। अनाज के आदि के मूल के मूल का जो मूल है, ये भगवान श्री गोपाल जी कन्हैया तुम्हारे घर में जो बैठा हुआ, देखो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी कोई विपत्ति आ जाए, ये कृष्ण को तो छोड़ के भागे, हमको देवी को पास में, हमको नवग्रह को पास में, हमको बाबा को पास में, नहीं कहीं नहीं भागनी चाहिए, कहीं नहीं भागनी चाहिए। सब करने वाले यही है कि जैसे चाबी घुमाते ना वैसे घूमती है सब,
ये देवादेव कुल कुछ नहीं कह सकते हैं देने वाले कृष्णा, इसलिए इनको छोड़ करके और हमें कहीं नहीं भटकनी चाहिए। इसलिए कृष्णा स्वयं गीता में कहते हैं कि जितने 33 करोड़ देवता मेरे से दास राशि है, मैंने जिसको जहाँ पर जैसे नियुक्त की वो मेरे आदेश को पालना कर रहे हैं। और एक चीज समझो, जैसे आप किसी दूसरे देवादेव को पूजा कर रहे हो, अगर तुम्हारी थोड़ी गड़बड़ी हो गई नहीं तो छोड़ दिया ना पूजा, देने का लेने का देना बढ़ जाएगा। जैसे इंद्र ब्रजवासी पूजा करते थे, लेकिन जब उन्होंने इंद्र पूजा छोड़ करके जब उन्होंने श्री गिरिराज की पूजा की, क्या हुआ बताओ? इंद्र बिगड़ गया कि नहीं? बोले मेरी पूजा छोड़ दिया, चक्का छुड़ा दूंगा तुम्हारी। 7 दिन तक ब्रज को सत्यानाश करने के लिए कोशिश की, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या की? गिरिराज उठा ली। बस गिरिराज बाबा की, गुजरों का देवता तो गिरिराज बाबा है ना, जोर से बोलो, बोले श्री गिरिराज महाराज। इसलिए रक्षा किसने किया? गिरिराज बाबा, कृष्ण ही रक्षा किया। लेकिन इंद्र पूजा कर रहे थे, लेकिन इंद्र पूजा छोड़ दिया तो इंद्र क्या किया? बोले सत्यानाश कर दूंगा, तो मेरी पूजा छोड़ दिया। कृष्ण ऐसे नहीं करेंगे, कृष्ण कभी ऐसे नहीं करेंगे। उनका पूजा करोगे नहीं करोगे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर दूसरे देवादेव की पूजा कर रहे हो, थोड़ी सी अगर तुम्हारी पूजा में थोड़ी सी इधर उधर हो गया ना, देने का लेने का लेने का देना बढ़ जाएगा। हाँ, इसलिए भक्ति करना। तो इधर रावण किसको पूजा करता था? बोलो किसको पूजा करता था? शंकर जी। तो क्या हुआ? लंका जल करके राज बन गई, कोई रक्षा करने वाले नहीं थे। विभीषण किसको पूजा करता था? विभीषण किसको पूजा करता था? राम को। तो एक व्यक्ति वहां पर बचा हुआ और सब खत्म, सारे खत्म हो गए। इसलिए जो व्यक्ति हरि की पूजा करते हैं ना, वही बच जाती है और सब जल करके खत्म, सबके सब खत्म हो जाती है। इसलिए इधर उधर मत भागा करो। घर में तुम्हारी जो गिरिराज वाला है ना, जो मोहन बाबा कन्हैया है, ये कन्हैया को ठीक से पूजा करो। इधर उधर भागने का कोई जरूरत नहीं। बस ही कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री मथुरा में प्रकट हुए हैं, वह जन्म नहीं हुए। लेकिन कृष्ण जन्म कहाँ हुए? गोकुल में हुए, गोकुल में हुए। आप लोग तो बच्चे जन्म दिया है, सबके सब बच्चे जन्म दिए। लेकिन आप बच्चे को पेट में जो नाड़ होता है वो मैया को साथ में जुड़ी हुई होती है। बच्चा जन्म लेने के बाद नाड़ आते नहीं, नाड़ छदर करते नाड़ काटती हैं। ये मथुरा में नहीं हुई, गोकुल में हुई। बड़ी बुरी माताओं ने कृष्ण के जन्म नार उन्होंने छेदन नार उन्होंने काटी है। कहाँ हुई? कभी यह हुई श्री गोकुल में हुई, ये मथुरा में नहीं हुई। इसलिए गोकुल में कृष्ण जन्म हुए और मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए। और प्रकट जन्म में फर्क है, स्वाभाविक रूप में गोकुल में ही कृष्ण जन्म लिए। इसलिए कहते हैं ना, नंद के आनंद भयो। किसका आनंद भयो? नंद के। कोई नहीं कहते वसुदेव का आनंद भयो। किसका आनंद भयो? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अभी कृष्णा जब जन्म हुए, इतने में सबके सब सोए पड़े हुए, जो माया सबको सुला दी, एकदम सवेरे सवेरे सोने का आंख हुई तो सब अचेत होकर पड़े हुए। बोले भैया भाभी का क्या हालत है? दरवाजा खोल करके देखती है, बड़ा सुंदर एक श्याम सरना एक बालक किलकारी मारते हुए मैया की गोद में किलकारी मारते हुए खेल रहा है। आप लोगों ने बच्चे जन्म दिया हो, आपको पता होगा कितना कष्ट है। एक बच्ची लड़की गर्भवती थी, वो अपना माँ को कह रहे हैं, बोले भैया पता नहीं मेरा कब बेटा जन्म हो जाए, जब मेरा बेटा जन्म होगा अगर मैं सोई हुई हूँ ना, मेरे को तो जगह नहीं। मैया कहती तेरे को जगह का जरूरत नहीं, तो परिवार में जगह दो, हाँ तुम्हारा परिवार की जगह दोगी। अभी प्रश्न है, मैया ने बच्चा जन्म दी, क्या मैया को पता नहीं चला बच्चा को लाला की लाली हुई? देखो यहाँ पर जो कृष्ण जन्म, नंद के आनंद भयो, नंद के
आनंद भयो, जब साधारण बच्चा जन्म लेता है तभी मैया को प्रसव पीड़ा होती है, लेकिन जब भगवान जन्म लेते हैं मैया को प्रसव पीड़ा नहीं होती। मैया को पता ही नहीं चली कब संतान जन्म हो गई, मैया को स्वयं बड़ी हुई। इतने में सुनंदा ने देखी भैया कब लाला की जन्म हो गया, उसको पता ही नहीं। बल्कि ये सबसे पहला खबर श्री नंदा बाबा को देनी चाहिए, फिर मेरे को कमला की हार मिलेगी। लेकिन नंदा बाबा है कहाँ से ढूंढो, ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में पहुंचे और नंदा बाबा माला लेकर के ना प्रभु का नाम जप नहीं कर रहे थे, ये लाला तो है वो छोरा तो है वो छोरा तो है लाला, क्योंकि कितना कितने बुढ़ापा में बच्चा होने वाले जो राजा बनने वाले। इतने में सुनंदा ने आकर के बोलती, बोले भैया कमाल है ये भाई, इतना बोलते तो नंदा बाबा छान लगा दी। बोले बहन कहा भैया भाई, बोले पहले बताओ मेरे को मिली ना क्या, मैं छह महीना से बैठी हूँ हाँ, ऐसे नहीं बैठी हूँ छह महीना से, बताओ मेरे को क्या मिलेगा। बोले ले ये नवला की हार ले ले। बोले बाबा बात इतने बड़ी है, जिसको सामने ये नवला की हार भी कुछ नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, ये नवला की हार है। बोले बाबा बात भी बहुत बड़ी है, बताओ और क्या करोगे। बोलो ये जमुना किनारे में जितने जमीन जगह है ना, सब तेरे नाम पर लिखा दिया, बताओ और क्या चाहिए। बोले बाबा ये भी उसको सामने कुछ भी नहीं, बताओ और क्या करोगे। बोले ले ट्रेजरी का सारी चाबी काटी तू ले, ले ट्रेजरी का सारी चाबी काटी तू ले, ले जो इच्छा सो ले लेना, लेकिन बता तो सही घर में कहाँ भयो है। बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है, हम लोग को ताली नहीं मिला। बोले तेरे घर में लाला भयो है, नंद बाबा की कितने आनंद, कितने आनंद, कितने जगह, कितने तीर्थाटन, ठाकुर को पास मनो भी रखा था घर में कि लाला हो जाएगा तो पृथ्वी का सारे तीर्थ में करूंगा, बड़ी तपस्या दान पुण्य की। और बुढ़ापा ने जब उसका लाला गयो है, नंद बाबा को छलांग लगा दियो और वहीं से दौड़ लगाई। जब दौड़ते ही आए, जब लाला की मुख दर्शन उन्होंने की, इतने आनंद, इतने आनंद नंद बाबा को भी, उन्होंने बोले ब्राह्मण को मैं 20 लाख गैया दान दूंगा और 7 कील का पर्वत में पर्वत मखमल पर कपड़े में ओढ़ करके दान देना। जो 3 दान है, एक एकादशी जिसका नाम संत एकादशी, 3 दान की बड़ा महत्व बताया गया और वो दान की तो महिमा है ही है गैया दान की, जिनकी शरीर में 33 करोड़ देवता भी निवास है। संकल्प कर लिया, बोले पहले साधु संतों को बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, क्योंकि इनकी आशीर्वाद से घर में लाला भय हो रहे। ब्राह्मण लोग आकर के, संत आकर के स्वस्ति वाचन पढ़ करके बच्चे को आशीर्वाद दिए। बोले जाओ पूरा ब्रज में ढिंडरा मिटवा दो नंद के लाला भय हो रहे। और गोपियां तो 6-6 महीना पहले और 84 गज की लहंगा चुंदरी बना कर रख दी, और गोपियां सारे लहंगा चुंदरी पर निकाली और जैसे दुल्हन ही बनती है ना, बड़ी सुंदर दुल्हन ही बन करेगी, सारे अलंकार में कहीं निकल के दूध दही मक्खन लेकर के मटकी में सबके सब बधाई देने आ रही है। आते समय कान में गोपियां कुंडल कहीं करके रखी थी, ये कुंडल जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों, बोले तुम पहुंचने से पहले हमें ही छोड़ दो, मैं जाकर के नंदन को बाबा को बधाई दूं। चोटी में जो सुंदर सुंदर फूल से श्रृंगार की थी, एक एक फूल गिरते गिरते गोपियों के चरण में गिर रहा। बोले क्यों, बोले जो नंद लाला को दर्शन करने बधाई देने जा रही है उनकी चरण की हमें पूजा करनी चाहिए। अगर चोटी में रहेंगे खोल करके मेरे यमुना में बाहर रखी, लेकिन कृष्ण जब बड़े होंगे गली गलियों में ठुमुक ठुमुक करके चलेंगे, कम से कम कृष्ण का चरण स्पर्श तो मिलेगा, इसलिए एक गिरते गिरते जाना है। जितनी गोपियां थी ना, ये सबके सब मैया दशा को बधाई दे रही थी। देखो इधर तुम लोग सब गोपियां, देखो गुजरी गुजरिया गुजरी खोल दिवरिया तेरे घर में आया। कृष्ण कहते हैं गुजरिया खोल दिवरिया तेरे घर में आए, गुजरी को गोपियां
कल प्रभु जी बता रहे थे ना ये हमारे जो संत है बहुत बड़े संत ये गुजरी का नाम लिया ये गुजरी का नाम लेते हैं है? पहले गुजरी आई कहा से बोले जद्दू वंश से मतलब जो गुजरी है ना तुम लोग कृष्ण के वंश में कहा गया हो इसलिए तो गिरिराज बाबा तुम्हारी देवता है ना इसलिए घर घर में कन्या तुम्हारी इसलिए तुम लोग सबके सब कृष्ण की वंशज है तुम लोग हो इसलिए जितनी गोपियां थी ना वो सबके सब मैया जसोदा को बधाई दे रही थी देखो मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो अब तुम लोग बोलना जोर से बधाई हो बोले मैया जसोदा बधाई हो हाँ बोले तो लेकिन आनंद नहीं आया तो आज एकादशी ना मेरे को पता है सब व्रत रखे इसलिए आवाज नहीं निकलना जोर से अब एक बार बोले भैया जसोदा बधाई हो भैया बोली बधाई हो ब्रज की गोपियों तुम लोगों को आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी ये लाला की मेरे को मुख दर्शन करने को मिलो है लाला मेरो नहीं ये लाला तुम लोग का लाला है और जितने गोपियां हृदय से कन्या को आशीर्वाद दे रही थी तो क्या बोल रही थी बोले जो गोजी हो यशोदा मैया सबके सब हृदय से आशीर्वाद दे रही थी कन्या को है और जितने गोप लोग थे सबके सब सिर्फ नंद बाबा को बधाई दे रहे थे यहाँ गोप लोग है कि नहीं गोपियां तो बहुत ही लेकिन गोप बहुत करता हूँ इसलिए जितने गोप को भी नंद बाबा को जितने गोप सबके सब बधाई दे रहे थे इसलिए जितने गोप लोग भी हृदय से कन्या को आशीर्वाद दे रहे थे लेकिन अभी सबके सब आ गए दो व्यक्ति नहीं है और वृषभारी महाराज और कृतिका सुंदर अगर ये दोनों आ जाए ना उत्सव प्रारंभ होगा सचमुच से देखा कृतिका भैया और श्री जसोदा श्री वृषभारी महाराज प्रवेश किए अभी उत्सव प्रारंभ होगा मैया कृतिका भी बड़ी सुंदर लक्षण श्रृंगार करके आएगी और सर में दूध दही मक्खन ऋषि को लेकर के आई थी एक गोप ने गए और डंडे से वो मटकी को मारे मार के मटकी तो फूट गई और भैया दूध दही में स्नान कर लिया है तो वहां पर उत्सव प्रारंभ हुआ बोले दही में हल्दी और उसमें घी मिलाकर उसको दही का भी कहते हैं और एक एक दूसरे गोबर में लगा रहे थे और क्या बोल रहे थे बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
दिया है 100 साल की जो बोली उसकी एक भी ताकत नहीं। वो तो ऐसे देख रहे थे, बोले भैया बड़े जोर की नंद महोत्सव है रहे। एक गोप ने उठाया मक्खन की डेला और वो माता जी की मुंह पर लग कर करके मारे, उसको तो एक दांत नहीं थी और उसको मुंह में लगाना अंदर में पूरा सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं, सबके सब आनंद में। और इतने दूध दही लाए थे वहाँ पर, कीचड़ कीचड़ हो गया, फिसल फिसल करके एक दूसरों ऊपर गिर रहे थे सबके सब। और नंद बाबा का आंगन बहुत बड़ी, क्यों राजा है, इतने दूध दही लाए थे पूरा दूध दही से भर गया आंगन। और नंद बाबा मटक मटक कर देख रहे थे जितने बरसाना नंद गांव के गो। बोले बाबा आज तेरे घर में लाला हुए है, देख सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं और तू मटक मटक कर देख रहे हो। अरे एक दिन तो नाच रहे नंद बाबा को पकड़ कर लिया है, कहाँ बीच में। देखो यहाँ पर वर्णना करते हैं मानो यहाँ पर ठीक समुद्र मंथन होने जा रहे हैं, क्योंकि इतने दूध दही भर गया। और नंद बाबा के बड़े लंबे चौड़े देखने में बड़े सुंदर है, गौरव अपने पिताजी कृष्ण का पिता है ना, समझे इतने सुंदर नहीं होंगे, एकदम लंबे चौड़े गौरव अपने की कमर में फेटे को बांध करके रखे थे और दोनों फेटे को दो तरफ में नंदगांव और बरसाना की गोप पकड़े हुए। ऐसे लग रहा था मानो यहाँ तीर समुद्र मंथन होने जा रहा है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे लवण समुद्र मंथन हो रहे थे, सबसे पहले बीस निकला जिसको भोले बाबा प्राप्त की। बोले यहाँ पर क्या निकला, बोले नंदस्तु आत्मा जाता हाद महामना, यहाँ पर तो स्वयं आनंद कंद स्वयं कृष्ण सबसे पहले निकले। वहाँ पर 14 रत्न निकला था लवण समुद्र से, सुखदेव गोस्वामी कहते पर थी कृष्ण जन्म होने पर नंद बाबा इतने धान दौलत लिए जवरा को लुटाए, ब्राह्मण लोग गठरी बांध कर लेके पा रहे थे और गठरी भी कोने से गिरते 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 जा रहा था। ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण गोकुल में जन्म होने पर माँ लक्ष्मी कौन असली राधा रानी स्वयं अली गलियों में श्री राधा रानी नाच रही है, इतने धन दौलत। और वहां पर कुबेर भी आया था, कुबेर कौन है, स्वर्ग के जितने सारे धन दौलत का जो मालिक है, जो ट्रेजर है, उसने इतने धन दौलत को लूटते हुए दे करके उसका सर्व निश्चित हो गया। बोले क्यों, बोले भगवान ने मेरे को कुबेर क्यों बनाया, बेकार जोधपुर का कुबेर बनाया, आज ब्रज में इतने धन दौलत है मेरे पास में भी इतना नहीं। देखो इतना कहाँ से आ गया, अगर स्वर्ग में कुबेर को पास में अगर इतने धन दौलत नहीं होती कहाँ से आ गया। देखो जब कृष्ण जन्म हुए ना वहां पर स्वयं ईश्वरी राधा रानी भी प्रकट हुई, राधा रानी भी प्रकट हुई। आप लोग रामायण सुने हो, जब राम बरात जनकपुरी में आई, जनकपुरी में माँ लक्ष्मी कौन है, श्री सीता देवी, सीता देवी रिद्धि सिद्धियों का आदर्श देती है। ऐसे स्वागत हो राम बरात को जब तक दुनिया रहे तब तक याद करते रहे, जनक महाराज की दरबार में राम बरात की स्वागत कैसे हुई। जब वो प्रवेश कर रहे थे देखा गांव के बाहर में जो छोटे जाति के लोग रहते ना वो सोने की लोटे में पानी भर करके शौच क्रिया में जा रहे थे, और जो डॉक्टर जो ब्रूस थी वो सोने की, और जो खाना दे रहे थे बोले सोने की प्लेट और कटोरी ग्लास में, जैसे आप लोग यहाँ पर खाना खाते हो ना रोज प्रसाद पाते हो और प्लेट को फेंक देते हो, वहाँ पर भी देखा सोने की कटोरी ग्लास में पानी पियो, एक बार पानी पीकर उसको फेंक दो डस्टबिन में फेंक दो, क्या सोने की कटोरी और ग्लास और थाली को, मतलब इतने धन दौलत वहाँ पर। और हाथी घोड़े को क्या खिलाते, काजू पिस्ता खिला देते। बोले इतने स्वागत उनको हुई, इतने स्वागत हुई, क्यों वहाँ पर लक्ष्मी स्वयं, कौन लक्ष्मी, श्री सीता देवी। और यहाँ पर कौन ब्रज में, श्री राधा राधा जोर से बोलो राधा रानी की। यहाँ पर श्री राधा रानी के आदेश दी मेरी प्रियतम की जन्म उत्सव में, ऐसे बधाई हो जब तक दुनिया रहे तब तक याद करते रहे। लाला की जन्म उत्सव में नंद बाबा ने
कैसे उन्होंने बधाई दिए थे। वहाँ पर श्री भोले बाबा भी आए थे, हैं भोले बाबा नंद बाबा तो 20 लाख गैया दान दी। शंकर तो चक्कर में पड़ गए, बोले क्यों, बोले शंकर जी का वाहन कौन है, नंदी, बोलो नंदी, नंदी कह दो 20 लाख दिया, 20 लाख दिया, समझ सकते हो 20 लाख कितना होगा। शंकर तो चक्कर में पड़ गए, बोले भैया 20 लाख गैया मेरे वाहन भी नंदी, अगर इसको भूल से गैया मान के अगर दान दे दिया ना मेरी वाहन चली जाएगी तो फिर बैठे कैसे जाऊँ। शंकर तो नंदी को पूछ को पकड़ के खड़े हुए, भैया मेरी नंदी नहीं चली जा। वहाँ पर पार्वती भी आई थी, उनको भी दो बालक है, कौन कौन है, कार्तिक और गणेश। कार्तिक पार्वती दो बालक कौन है, कार्तिक और कार्तिक गणेश कहते ना, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। इतने उन्होंने हाथी घोड़े दे रहे थे और गणेश जी का सर कैसे हाथी का गजानन, मैया तो डर गई, बोले क्यों इतने हाथी दान दे रहे हैं, अगर भूल से मेरे लाला को अगर हाथी मार कर दान में दे दिया फिर लाला ही चली जाएगी। फिर उन्होंने गणेश जी को उठा कर गोद में चुपका कर खड़ी हुई, इसलिए वहाँ पर हैं सारा दुनिया गा रहे थे नंदे का आनंद भयो जय कन्हैया। लेकिन एक व्यक्ति दुखी होकर के बैठी हुई थी, बोले कौन दुखी थी, बोले श्री धोनी, बोले क्यों दुखी थी, कारण क्या, बोले कारण है वो प्रसिद्ध भत्रिका, वो कौन है बोला, कहिए प्रसिद्ध भत्रिका, बोले प्रसिद्ध भत्रिका का मतलब क्या है, बोले मतलब है जिसका पति विदेश में हो और दुख में हो जेल में हो, उस स्त्री कभी सबके सामने नाचेगी, पति अगर जेल में बंद हो कभी नाचेगी, कभी नाचेगी नहीं, पति कौन, बोले वसुदेव, बोले कहाँ पर, बोले कल से निपारा कर दे, अभी सबके सामने नाचेगी कैसे, बेचारी बड़ी दुखी होकर बैठी हुई। नंद बाबा ने देखा सबके सबका नाच रहे हैं गा रहे हैं, लेकिन रोहिणी कहाँ है, देखा रोहिणी चुपचाप बैठी हुई, बोले रोहिणी घर में केवल दो स्त्री हो तुम, एक जसोदा और तू, अभी जसोदा तो बच्चे को जन्म दी, अभी घर का काम काज तो कर ही नहीं सकती, और देखो कितनी गोपियाँ घर में आ रही हैं, इनको स्वागत कौन करेगी और इनका लेन देन कौन करेगा, तेरे को करना है ना, हाँ मेरे को पता है तो प्रसिद्ध तो भद्रिका हो, अरे कम से कम मेरे लाला को तो आशीर्वाद दे। देखो कृष्णा जन्म होने से पहले 15 दिन पहले से दाऊ भैया जन्म हो, लेकिन जब से दाऊ भैया जन्म हुए तब से वो आंख बंद करके पड़े, बोले क्यों, बोले सबसे पहले मैं अपना कन्हैया को देख करके फिर दुनिया को मैं देखूंगा। इतने में नंद बाबा बोले रोहिणी कब से कब मेरे लाला को तो आशीर्वाद दे करेगा। इतने में रोहिणी श्री दाऊ भैया बुलाई और कन्हैया काना को बिस्तरा पर ले जाके जब बैठ लेटा दिया, इतने में बलदेव प्रभु देखा भैया कृष्ण के सामने आ गया, इतने में उन्होंने आँख खोल दी और आँख खोल कर किसको देखा, श्री कृष्ण को देखा। रोहिणी तो दुखी थी लेकिन जब देखा लाला ने आँख खोल दी ना, इतने प्रसन्न हो गई वो भी ठुमक लगा करके नाचना शुरू कर दी। बोले श्री दाऊ भैया की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया की, जय जय श्री राधे। अभी हमारे प्रभु जी एक सुंदर भजन गाए, कृष्ण कैसे कल तो वसुदेव हैं, कल तो वसुदेव प्रसन्न हुए, आज कहाँ पर श्री नंद के लाला भयो है, इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। आज श्री गोकुल में महोत्सव हो रहे हैं, प्रभु जी की बड़ी सुंदर भजन गाएंगे और आप लोग सबके सब नाचेंगे, ठीक है। Yeah.
I'm not.
Jai Jai Sri Ram.